गूंजे वादी वादी आपकी मुनादी ला नबी आबादी गूंजे वादी वादी आपकी मुनादी। नाउ आई रिक्वेस्ट टू आवर प्रिंसिपल सर हाफिज ज़ुल्फ़िकार शाह टू कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم। معزز اساتذہ کرام, अजीज़ तालबात, आज 11 रबीउल अव्वल है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत भी हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में इस जहां से कूच भी कर गए। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से आपकी सीरत का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से लेकर आपकी वफ़ात तक के वाक़यात पर मुश्तमिल होगा और तमाम तर वाक़यात को मुख्तसरन यहाँ पर बयान किया जाएगा। ताहम शौक़ रखने वाले तलबा जो हैं उनको चाहिए कि वो सीरत की कोई किताब लेकर इसका मुतालिया करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग किस तरह की, कौन से हालात और वाक़यात पेश आए, किन मसाइब का शिकार हुए, कौन कौन सी कामयाबियाँ और कामरानियाँ अल्लाह ताला ने अता की, तो एक पूरी भरपूर किस्म की तारीख है जो आपके सामने पड़ी हुई है, जहाँ पर आप नसाबी कुतुब का मुतालिया करते हैं। आपको चाहिए कि तारीख का मुतालिया भी साथ करें क्योंकि इससे जहन के दरीचे खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रोशन हो जाती हैं और अजर का अजर है, स्वाब का स्वाब है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और वाक़यात पढ़ रहे हैं। बहरहाल आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले का मामला बयान करेंगे। यानी इस हिस्से में आज हम बयान करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि 571 ईस्वी में पैदा हुए, उससे पहले क्या क्या वाक़यात पेश हुए। तो मैं चाहूँगा कि इसका आगाज़ आपके परदादा हज़रत हाशिम से किया जाए। हज़रत हाशिम का असल नाम तो अमरो था, उमर नहीं बल्कि अमरो, लेकिन आपको आप हाशिम के नाम से मशहूर हुए, यानी आपके जद्दे आला हैं और इन्हीं की नस्बत से आप हाशमी कहलाते हैं, यानी हाशमी ख़ानदान से तल्लुक रखते हैं। कुरैश जो कि एक बहुत बड़ा कबीला है, उसकी ये बड़ी ही मुक़द्दस और बड़े आला और अरफा ख़ानदान है उसका, कुरैश का हाशमी ख़ानदान। तो हज़रत हाशिम मक्का के सरदार थे, आप हाजियों की मेज़बानी भी करते थे, उनको पानी भी पिलाते थे। आप हाशिम के नाम से इसलिए मशहूर हुए कि मक्के में कहत पड़ गया तो आप चूंकि मालदार थे, आपने रोटियां तोड़ तोड़ कर शोरबे में डालकर अहले मक्का को और हाजियों को खिलाई। ये फ्याजी का मामला था, इसी वजह से आपका नाम हाशिम पड़ा क्योंकि हाशिम का मतलब है तोड़ने वाला,
یعنی روٹیاں توڑ توڑ کر ٹکڑے کر کر کے شوربے میں ڈال کر آپ حاجیوں کو اور اہل مکہ کو کھلایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑا۔ آپ نے گرمی اور سردی میں تجارتی قافلوں کے راستے بنائے، کہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کا کاروبار تجارت تھا، یہ مکہ سے مال لے کر جاتے تھے، مختلف ممالک میں بیچتے تھے، پھر وہاں سے مال لے کر آتے تھے اور راستے میں بیچتے ہوئے مکہ پہنچتے تھے۔ تو آپ نے مختلف قبائل سے عہد و پیمان کیے کہ مکہ سے جو قافلے تجارت کے لیے آئیں ان کو لوٹا نہ جائے، ان کو امن کے ساتھ یہاں سے گزرنے دیا جائے۔ تو آپ نے دو قافلے اس طرح کے بنائے جو سال میں دو دفعہ جاتے تھے، ایک گرمیوں میں اور ایک جاڑے میں یعنی سردیوں میں۔ تو آپ ایک دفعہ ملک شام تجارت کے لیے خود روانہ ہوئے، راستے میں آپ مدینے میں ٹھہرے اور وہاں پر سلمہ نامی خاتون سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، چند دن وہاں پر قیام کیا اور پھر آگے سفر پر روانہ ہو گئے فلسطین۔ یہ چونکہ تجارتی قافلہ تھا تو فلسطین میں ہی غزہ کے مقام پر آپ کی وفات ہو گئی۔ پیچھے جو آپ کی بیوہ حضرت سلمہ تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے شہبہ رکھا۔ شہبہ یعنی سفید بالوں والا، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر پر سفید بال تھے، اس لیے آپ کا نام شہبہ رکھا گیا۔ یہ 497 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، 497 عیسوی میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 571 عیسوی میں۔ یہ شہبہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، جیسا کہ حضرت ہاشم آپ کے پردادا اور ان کے بیٹے شہبہ آپ کے دادا، جو کہ عبد المطلب کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے۔ تو یہ پیدا ہو رہے ہیں 497 عیسوی میں، یعنی تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 74 سال پہلے آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کا بہت بعد میں اہل مکہ کو علم ہوا کہ شہبہ کے، حضرت ہاشم کے بیٹے شہبہ جو ہیں وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، بہرحال جب حضرت ہاشم وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ کے بھائی جن کا نام مطلب تھا وہ مکہ کے سردار بنے، وہ بھی انتہائی مالدار اور فیاض تھے۔ تو مطلب جب سردار بنے تو ان کو کافی عرصہ کے بعد علم ہوا کہ ان کے بھائی جو ہاشم فلسطین میں وفات پا گئے تھے، ان کے بیٹے شہبہ جو ہیں وہ مدینہ میں موجود ہیں، اور اس وقت ان کی عمر کو 8-10 سال ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے مدینہ کا سفر کیا اور آپ کی والدہ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ شہبہ چونکہ ہاشم کا بیٹا ہے اور مکے کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس کا مستقبل جو ہے وہ مکے میں بہت زیادہ واضح ہے اور شاندار ہے، تو اس کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ تو لہذا وہ شہبہ کو، جو کہ اس وقت 8-10 سال کی عمر کے تھے، ان کو لے کر آپ مکہ میں آگے۔ جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اونٹ پہ سوار تھے، مطلب یعنی ہاشم کے بھائی اونٹ پر سوار تھے اور شہبہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب جو ہیں وہ ایک غلام خرید کے لائے ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کا غلام۔ لہذا یہ وہ شہبہ جو تھے پھر عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب جو تھے یہ بھی ایک سفر پر، تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ یمن میں رومان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کی وفات کے بعد پھر عبد المطلب جو ہیں وہ مکہ کے سردار بنے، عبد المطلب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ جب مطلب کی وفات ہوئی تو فوراً بعد عبد المطلب کے جو چچا نوفل تھے انہوں نے آپ کے صحن پر قبضہ کر لیا۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ تو آپ نے مدینہ میں موجود اپنے ماموں کو خط لکھا کہ اس طرح نوفل نے میرے صحن پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ قبضہ چھوڑ نہیں رہا۔ تو آپ کے ماموں
जो कि बनी नजार में से थे, अबू साद बिन अदी, वो 80 सवार लेकर मक्का आए और डायरेक्ट आपकी मुलाकात जो है वो नौफल से हुई, जो कि उस वक्त हतीम में बैठा हुआ था। हतीम क्या है? खाना काबा के साथ, जो कि खाना काबा का हिस्सा ही है, छोटा सा एरिया जो कि खाना काबा के बाहर है, तो वहाँ पर बैठा हुआ था सरदारों के साथ। तो अब आपके मामू ने, यानी अब्दुल मुत्तलिब के मामू ने कहा कि तुमने मेरे बांजी के सेहन पर कब्ज़ा कर लिया है, अगर तुमने कब्ज़ा ना छोड़ा तो आज ये तलवार तुम्हारे जिस्म में घुसेड़ दूंगा। तो लहाजा नौफल जो है वो खौफजदा हुआ और उसने अब्दुल मुत्तलिब को उनका सेहन वापस कर दिया और फिर ऐदो पेमा हुए और कुरैश के सरदारों को वहाँ पर गवाह बनाकर फिर 3 दिन आपके मामू ने वहाँ पर क़याम किया, उमरा किया और वापस चले गए। अब अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो मक्का के सरदार हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, जिनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं, जिनका कि एक बहुत ही गहरा असर है और बहुत ही अहम ताल्लुक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। चाहे जमजम की खुदाई हुई, आपके नॉलेज में है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से जो कुंवर रूनमा हुआ था, जो पानी बाहर निकला था जिसे जमजम कहा जाता है, तो वो बनी जुरहम जब मक्का से रवाना हुए बहुत अरसा बाद, तो वो जो जमजम का कुआं था उसको बंद कर गए। बंद करने के बाद चले गए तो ये बंद ही रहा। ये फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को एक ख्वाब आता है जिसमें उनको कहा जाता है कि आप इस मुकद्दस कुएं की खुदाई करें, और फिर ख्वाब में ही उस कुएं की निशानदही की जाती है कि ये इस जगह पर मौजूद है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को लेकर जब उसकी खुदाई करने लगे तो अहले कुरैश जो हैं वो माने आए, उन्होंने खुदाई से रोका, लेकिन आपने फरमाया कि मुझे चूंकि गैबी अशारा है और मैं इसकी खुदाई करना चाहता हूं और आबे जमजम जो है उसको दोबारा रवा दवा करना चाहता हूं, ताकि जो हाजी यहां पर हज करने के लिए आते हैं उनके लिए पानी का मसला जो दरपेश है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल अहले कुरैश ना माने तो तय ये पाया कि उस वक्त वो कहना औरतें होती थी जिनसे कुफाल निकालते थे, उससे फैसला करवाया जाता था। तो जब सब लोग उसकी तरफ रवाना हुए कि उससे फैसला लेते हैं क्या करना है, तो रास्ते में ही अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी अहले कुरैश को, अहले मक्का को दिखा दी कि इनको समझ आ गई कि कोई गैबी ताकत जो है वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ है। वाकया ये हुआ कि जब ये रवाना हुए तो रास्ते में ही तमाम लोगों के पास जो ज़्यादा राह था, यानी पानी जो होता है, वो पानी ख़त्म हो गया और सब लोग प्यासे हो गए, सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पानी ख़त्म ना हुआ, जिससे इन्हें ये इल्म हो गया कि लाजमन को गैबी ताकत जो है वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ है, जिसकी वजह से ये वाकया रूनमा हुआ है। लिहाजा उन्होंने खुदाई की इजाज़त दे दी। तो वो जब खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी जो बनी जुरहम जो है वहाँ पर डाल गए थे, तलवारें थीं, सोने के 2 हरन थे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकली। तो बहरहाल वहाँ से आबे जमजम जो है वो दोबारा रवा दवा हो गया। इसके साथ फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 40-50 दिन पहले का एक बहुत अहम वाकया है, वो है जब अब्रहा जो के यमन का गवर्नर जनरल था, उसने हाथियों के साथ खाना काबा को डाने के लिए नाउज़ु बिल्ला एक कोशिश की। वाकया ये था कि अब्रहा ने देखा कि अहले अरब तमाम जो हैं वो हज करने के लिए मक्का जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, लिहाजा मक्का को बड़ी अहमियत हासिल है। तो चूंकि खुद ईसाई था, उसने क्या किया कि उसने सना में एक कलीसा तमीर किया इस नज़रिए से कि सब लोग यहाँ पर आएं बजाय के खाना काबा जाएं। तो अरब का एक कबीला है बनू कनाना, तो उसके एक शख्स ने गुस्से में आकर के, इसने खाना काबा के मुकाबले में कलीसा तामीर किया है, उसने कलीसा में जाकर पखाना कर दिया।
जिससे अबरहा को बड़ा गुस्सा आया और वह 60,000 का लश्कर लेकर रवाना हुआ मक्का की तरफ कि वो काबा को नाउजुबिल्ला ढा देगा, गिरा देगा। जब वो वादी मुजल्फा और वादी मिना के दरमियान वादी महसर में पहुंचा तो उस वक़्त उसके हाथियों ने आगे चलने से इनकार कर दिया। वो हाथियों को शुमाल जनूब या मशरिक किसी तरफ भी करता था वो दौड़ने लगते थे, लेकिन जब वो मगरिब की तरफ करता था जिस तरफ खाना काबा था तो वो हाथी जो थे वो घुटने टेक कर बैठ जाते थे। यानी अल्लाह के घर की ये ताज़ीम थी कि जानवर जो हैं वो भी उस घर की ताज़ीम करते हैं। तो बहरहाल उस वक़्त फिर अल्लाह ताला ने चंद अबाबील भेजी, यानी चिड़ियाँ जो होती हैं उनके चूँच में और दोनों पंजों में एक एक कंकर था, यानी तीन तीन कंकर लेकर वो चिड़ियाँ रूनुमा हुई और छोटे छोटे कंकर उन्होंने उस फौज के ऊपर, जो 60,000 की फौज थी उसके ऊपर फेंके। वो कंकर जिसको लगता था उसके जिस्म के अज़ा जो थे वो टूटने शुरू हो जाते थे और इस तरह की भगदड़ मची के एक दूसरे को रोंगते हुए ये वापस भागे। लश्कर में से कोई भी ना बचा, इवन यहाँ तक कि जो उसका लश्कर का सरबराह सिपासलार था अबरहा, उसके उंगलियों के पोर जो थे वो जड़ गए और इंतहाई बुरी हालत में वो वापस अपने इलाके सना तक पहुँच गया। उसको पुलझाना वहाँ पर मकसद था ताकि सारी दुनिया देखे कि अल्लाह के घर का क्या तकदीस होती है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों करने वाले जो लोग हैं उनका क्या हाल होता है। तो ये जब सना में पहुंचा है तो इसकी शक्ल चूज़े की तरह की हो गई हुई थी और वहाँ पर जाकर फिर इसका सीना फटता है और दिल जो है वो बाहर आ जाता है और इसकी मौत वाकई होती है। ये अल्लाह ताला का अजाब था जो उस फौज पर और उसके सिपा सलार पर जो है वो वारद हुआ। अब ये इतनी अहम खबर थी, इतना अहम वाकया था कि पूरी दुनिया जो कि उस वक़्त की महजब दुनिया थी, रूम और फारस दो सुपर पावर्स थी, जैसे एक ज़माने में अमेरिका और रूस होता था, अब खाली अमेरिका ही है, उस वक़्त की दो सुपर पावर्स थी रूम और फारस। तो वहाँ पर ये जंगल में आग की तरह खबर फैल गई कि इस तरह अबरहा ने एक कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसका ये हाल कर दिया। तो पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुँच गया इस वाक़े से। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पदाइश से तकरीबन 40 या 50 दिन पहले का वाक़या है। तो पूरी दुनिया को ये खबर पहुंच गई कि यहाँ ये जो सरजमीन है ये मुकद्दस सरजमीन है और यहाँ से अगर अब कोई पैगंबर अल्लाह का पैगाम लेकर उठता है तो वो बिल्कुल एक जैनवन मामला होगा, एक सही मामला होगा। तो ये एक वाक़या है बड़ा अहम जिसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में मौजूद है सूरतुल फील में, कि जिसमें अलम तारा कई फ़ाल रबू का भी असहाबिल फील अलम यज अल कई दहूँ फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़ाजा अलहुम कासफिम माकूल, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन हाथी वालों का क्या हुआ कि उन पर किस तरह अल्लाह ताला ने परिंदे भेजे और उनका हाल इस तरह कर दिया जैसे कि वो बुरकस निकाल दिया जाता है। तो इसका पूरा वाक़े का जिक्र जो है वो कुरान पाक में सूरतुल फील में मौजूद है। अब जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चाहे जमजम की खुदाई कर रहे थे और कुरैश वाले जब माने आए तो उस वक़्त आपने महसूस किया कि मैं ताकत में बहुत कम हूँ, क्योंकि उनके एक बेटे हारिस थे उस वक़्त जो जवान थे। तो आपने उस वक़्त एक मन्नत मानी कि अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे अता करे और वह सारे के सारे इस उम्र को पहुँच जाएँ कि मेरी हिफाजत कर सकें तो मैं उनमें से एक बेटा जो है वो खाना काबा के सामने ज़िबा कर दूंगा, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। ये चूंकि एक पीछे से तसलसल चला रहा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो मैं अल्लाह की राह में जिस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया, अगरचे अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल कर ली लेकिन उनकी जगह जो है वो मेंढा भेज दिया कुर्बानी के लिए। तो ये मन्नत इन्होंने मानी कि मैं भी अपना बेटा ही कुर्बान कर दूंगा अगर मुझे अल्लाह ताला 10 बेटे अता करे और वो इस उम्र तक पहुँच जाएंगे मेरी हिफाजत करें। तो अल्लाह ताला ने आपको 10 बेटे अता कर दिए, तो अब वो मन्नत पूरी करने का वक्त आया, सारे जवान हो गए।
तो हजरत अब्दुल मुतलिब ने आपने 10 बेटे जमा किए और कहा देखो मैंने ये मन्नत मानी थी, क्या तुम लोग तैयार हो इसके लिए? तो सब ने मन्नो वाल, जिस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूछने पर कहा था कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी के लिए बिल्कुल किसी किस्म का तरद्दुद ना करें। तो ये बेटे भी तैयार हो गए कि हम तैयार हैं, आप जिसको चाहे कुर्बान कर सकते हैं। लिहाजा 10 के 10 बेटों के नाम तीरों पर लिखे गए और उनको गर्दन देश देकर कुरा निकाला गया, तो कुरा निकला हजरत अब्दुल्ला के नाम पर। हजरत अब्दुल्ला जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदे मोहतरम थे, तो हजरत अब्दुल्ला के नाम कुरा निकला। लिहाजा आप हजरत अब्दुल्ला को लेकर खाना काबा के सामने आए और ऐन जब ज़िबा करने लगे थे तो कुछ लोग माने आए और खसूसन हजरत अब्दुल्ला के ननियाल वाले, उन्होंने कहा कि नहीं इनको ज़िबा ना करें बल्कि इनकी जगह आप कोई और दीद दे दें। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर वही मामला हुआ कि वो जो कुरा निकाला करते थे, काहना औरत से पूछा गया तो उसने कहा कि आप इस तरह करें कि अब्दुल्ला के नाम का कुरा डालें और एक तरफ 10 ऊँटों का कुरा डालें। ठीक है, जब अगर ऊँटों का नाम निकला है तो 10 ऊँट ज़िबा कर दीजिएगा तो अब्दुल्ला की कुर्बानी जो है वो कबूल हो जाएगी, लेकिन अगर कुरा निकल आया फिर अब्दुल्ला के नाम पर तो फिर 10 ऊँट और बढ़ा दीजिएगा, इसी तरह बढ़ाते रहिएगा। तो यहाँ तक हुआ कि जब वाकई कुरा डाला गया तो दोबारा कुरा जो है वो हजरत अब्दुल्ला के नाम पर निकल आया, लिहाजा 10 की जगह 20 ऊँटों का कुरा निकाला गया तो फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम, 30 ऊँटों का निकाला गया फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम, हत्ता के यहाँ तक जब 100 ऊँट किए गए और दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम था और एक तरफ 100 ऊँट थे तो फिर कुरा जो है वो 100 ऊँटों के नाम का निकला। इस तरह 100 ऊँट हजरत अब्दुल मुतलिब ने ज़िबा कर दिए हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी की जगह और आपकी वो कुर्बानी कबूल हुई। तो ये बड़ा अहम वाकया है क्योंकि हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुतलिब को बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे, और आपके उसाफ जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद बनना था उन्होंने, तो आप में उसाफ हमीदा भी बहुत ज़्यादा थे, बड़े रहम दिल थे, बड़े इखलाक वाले थे। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुतलिब को आपके वो बेटे बहुत प्यारे थे। और फिर हजरत अब्दुल्ला की शादी भी आपने कुरैश के जो सबसे आला ख़ानदान था उनकी एक बेटी हजरत आमना के साथ की। तो हजरत आमना के साथ जब हजरत अब्दुल्ला की शादी हो जाती है तो कुछ अरसा के बाद हजरत अब्दुल मुतलिब हजरत अब्दुल्ला को मदीना भेजते हैं खजूरें लाने के लिए, क्योंकि मदीना में खजूरें होती थी तो खजूरें लाने के लिए भेजते हैं। आप वहाँ पर जाते हैं और उधर ही बीमार हो जाते हैं और वहाँ पर ही आप वफात पा जाते हैं और उन्हें उधर ही दफन कर दिया जाता है। तो यहाँ तक के मामलात थे, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई, तकरीबन आपकी वफात के 2 माह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। तो आपकी पैदाइश से पहले के जो बड़े अहम वाक़यात थे वो आपके सामने बयान किए गए हैं। इनको अगर आप तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो रहीकुल मख्तूम किताब जो कि सीरतुल नबी पर लिखी गई है और आलमी अवार्ड याफ्ता किताब है, इसको पढ़िए। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मौलाना शिबली नुमानी और सुलेमान नदवी की जो सीरतुल नबी है उसको पढ़िए। आप अगर मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो तारीख इब्ने कसीर का मुतालिया कीजिए। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो तारीख इब्ने खल्दून का मुतालिया कीजिए। तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से वहाँ से ये वाक़यात मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ कुतब से जमा करके आपके सामने बयान किए गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा अगले लेक्चर में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से और आपके बचपन के जो बड़े अहम वाक़यात हैं उनके हवाले से बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गूंजे वादी वादी आपकी मुनादी, ला नबी आबादी। गूंजे वादी वादी आपकी मुनादी, ला नबी आबादी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।